Assalamu alaikum girls, this is me Zoya Mubarak. Welcome or welcome back to my channel. So in this video, as you know, we are going to talk about how to get a princess treatment from your partner. अच्छा जी लड़कियों, सबसे पहले ना मेरी एक बात बिल्कुल क्लियर कान खोल के सुन लो. आप डिजर्व करती हो प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ठीक है. बहुत सारी लड़कियों को मैं जानती हूँ अपने सराउंडिंग में भी, वो ना बहुत कम पे खुश हो जाती हैं. लाइक उनका पार्टनर उनको जैसा भी ट्रीट कर रहा है वो बहुत खुश हो जाती हैं. हाँ ये ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम. और ना वो बहुत मतलब बहुत जल्दबाज होती हैं कि जैसे ही लाइक एक ऑप्शन आया उनके पास, उन्होंने फ़ौरन से चूज़ कर लिया कि कहीं ये हाथ से ना निकल जाए. हनी थोड़ा सा हौसला रखें, ठीक है. बहुत बेटर ऑप्शन पड़ा हुआ है. कभी भी इस चीज़ में जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लें, कभी भी. थोड़ा सब्र रखें. आपके लिए अगर ठीक है, वेल एंड गुड, अगर ये पार्टनर आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है, बट इस चक्कर में जल्दबाजी के कोई ना मिला, ये भी हाथ से निकल गया, ये हो गया वो हो गया, यार नहीं करें. बहुत बेटर ऑप्शन वेट कर रहा होता है आपका. छोटे मोटे ऑप्शंस आते रहते हैं, उनको इग्नोर करना है. आप देखो, बीइंग अ गर्ल में एक बात बताती हूँ, हम सब लड़कियों के माइंड में ना एक आइडियल पार्टनर होता है, ठीक है, जो आपकी बहुत केयर करता होता है, रिस्पेक्ट करता होता है. हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन होती है उस टाइम जब हमारे पास कोई पार्टनर नहीं होता, कि जो भी हमारा पार्टनर होगा वो ऐसा होगा, इतना केयरिंग, इतना लविंग, रिस्पेक्टफुल और ये वो. चलो यार ये करते हैं, ऊपर छत पे हूँ ना, करें खैर, ठीक है. जब तक वैसा आइडियल पार्टनर नहीं मिलता तो कम में खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए. यू हैव टू नो कि आप डिजर्व करते हो. मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, अगर प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो. खुद को बताओ कि आप हो इस काबिल, ठीक है, आप अमेजिंग, चार्मिंग, वर्दी, रिस्पेक्टफुल हो. आप सामने वाले बंदे को कुछ नहीं पड़ी हुई आपको अच्छे से ट्रीट करने की, ठीक है. जब तक आप नहीं बताओगे आप प्रिंसेस हो, सामने वाले को नहीं पता चलेगा. अगर कोई आप चाहते हो कि कोई आपको अच्छे से ट्रीट करे, तो पहले खुद को इस कैपेबल समझो कि हाँ आप अच्छे से ट्रीट, आप डिजर्व करते हो यार अच्छे से ट्रीट होना. आप अगर कोई गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, कोई गलत तरीके से बात कर रहा है, तो फ़ौरन से मना करना सीखो, शट अप कॉल देना सीखो, ठीक है. इन स्टार्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रही मिसबिहेविंग स्टार्ट कर दो. समटाइम्स ना लोग बातों को बहुत नेगेटिव वे में ले जाते हैं, बट मैं समझाना चाह रही हूँ कि बहुत जल्दी डिसीजंस नहीं लें सबसे पहले इस चीज़ में, बिकॉज बहुत बड़ा गलत स्टेप हो जाता है, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि कहीं आप इसको ना खो दें, ठीक है. थोड़ा हौसला रखें, सब्र रखें. और अगर वही बंदा आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा हौसला रखें और अपने आप को बताएं कि आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व करती हो, ठीक है. आपको अपनी वर्थ का पता होना चाहिए कि कोई गलत ट्रीट करेगा तो आपको फ़ौरन से उसको लीव करना आना चाहिए. आपको वो जैसा भी ट्रीट कर रहा है, वो जैसे ही बात कर रहा है, आप हर सिचुएशन में बंदे के साथ बिल्कुल खुश हैप्पी के, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, मैं इसी में खुश हूँ. नो, आप खुश नहीं हो, तो खुद को फालतू के दिलासे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अपनी कोई फर्स्ट टाइम गलत ट्रीट कर रहा है ना, तो उसको बता दो कि मुझे ये ट्रीटमेंट पसंद नहीं है, मैं इसकी आदी नहीं हूँ, ठीक है. मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, आप खुद से प्यार करो, ताकि सामने वाले को पता हो इसने खुद कभी किसी अपने आप को गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो सामने वाले से कैसे होने देगी, ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपको ना प्रिंसेस का मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है. प्रिंसेस का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले से, अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी हर तरह की हर ख्वाहिश पूरी करे, ठीक है. प्रिंसेस का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, लविंग हो. एक्चुअली प्रिंसेस आर लविंग, वो केयरिंग होती हैं. वो बहुत ये नहीं होता प्रिंसेस ट्रीटमेंट का मतलब कि आप बहुत रूड हो जाओ, बहुत बदतमीज़ हो जाओ और आप बोलो कि नहीं मैं तो प्रिंसेस हूँ और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करनी है, वट एवर, ठीक है. सामने वाले की सिचुएशन को समझना, ओके, आपका पार्टनर इस टाइम किस सिचुएशन में है, हर सिचुएशन में सपोर्टिव रहना, ये होता है प्रिंसेस, ठीक है. आप खुद बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो जाओ, बहुत प्यार से बात करो, ठीक है. सामने अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझो, एंड देन ऑब्वियसली वो आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है. तो अपने माइंड में पहले प्रिंसेस की जो एक डेफिनेशन होती है उसको ठीक कर लें कि प्रिंसेस का मतलब ये नहीं होता कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी सब बातें मान रहा है और जी मैडम आपको ये चाहिए, हम ये लाके दे रहे हैं, ठीक है. अपने माइंड में ये रखो कि जी उसकी भी लाइक बदतमीज़ नहीं हो जाओ, उसका भी दिल है, उसको भी बुरा लग सकता है. तो बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में रहो. प्रिंसेस बहुत ज़्यादा प्यारी, नाजुक, समझदार
बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, खूबसूरत होती हैं, बहुत खूबसूरत, नॉट दैट के बहुत प्यारा कलर होता है, बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, नॉट लाइक दैट, दिल की बहुत खूबसूरत होती हैं, सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, अच्छे से रहेंगे देन ऑब्वियसली आई नो आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा. तो अपने माइंड में पहले प्रिंसेस की डेफिनेशन ठीक कर लें. पॉइंट नंबर थ्री, अपने ना कम्युनिकेशन आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. आप लोग एक दूसरे से हर बात बहुत अच्छे तरीके से करें, प्रॉपर वे में करें, ठीक है. अगर आपको कोई शिकायत है तो वो सिर्फ अपने दिल में रखना और ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला आपका दिल खोल के उसमें से पढ़ लेगा कि आपको क्या मसला है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है. आपको कोई भी शिकायत है तो आप बहुत पोलाइट वे में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे ताकि सामने वाले को पता हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है. क्योंकि भाई वो भी इंसान है, यू नो, और वो दिल या दिमाग से रीड नहीं कर सकता, उसको बताना पड़ता है कि आपको क्या शिकायत है. शायद वो बात जो आपकी आपको बहुत बुरी लगी हो वो उसकी तरफ से नॉर्मल हो और वो उस पर फोकस ही ना करे और आप अपने दिल में रख के बैठे हुए और एक के बाद एक एक गलत फहमियाँ बढ़ती जाएँ. तो गलत फहमियों को बढ़ाने से अच्छा है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ना हो आप लोगों में और जो भी मसला हो वो आप लोग आराम से डिस्कस करें. बिकॉज होता ये है कि लाइक जो पार्टनर्स होते हैं उनमें वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वो दोनों एक दूसरे से प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते. रीज़न इज़ के उसको पता होना चाहिए वो आपका कि मुझे क्या बुरा लगा. तो ऐसा नहीं होता, समटाइम्स सामने वाले की तरफ से बात नॉर्मल होती है और आपको बहुत बुरी लग जाती है तो आपको बता देना चाहिए कि मुझे बात अच्छी नहीं लगी, ताकि सामने वाला भी अगली दफ़ा ख्याल रखे, ये एक्सपेक्ट ना करें कि उसको खुद से पता चल जाएगा, राइट. और उसको बताएं कि क्या चीज़ें आपको खुश करती हैं ताकि वो आपको उन चीज़ों से खुश रखने की कोशिश करे, ठीक है. मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छी और स्ट्रांग होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा समटाइम्स ऐसा होता है कि ना बातें छुपाना शुरू कर देते हैं पार्टनर से एक दूसरे से, तो ये भी नहीं होना चाहिए. आपको अपने पार्टनर से हर चीज़ शेयर करनी चाहिए. बिकॉज रीज़न इज़ कि कोई भी गलत टाइम आ जाता है, कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, तो आपके पार्टनर को ऑलरेडी वो चीज़ पता हो और वो प्राउडली आपकी साइड ले सके, बिकॉज उनको पता हो कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी, ठीक है. वो आपकी तरफ से कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट हो. उफ, हवा चल रही है तो रूम के कर्टेंस इस बार में बाहर आ रहे. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन अ रिलेशनशिप के ना अपनी ईगो को बीच में ना लाएं. अगर आप लोगों की कोई लड़ाई हो गई, अगर आप देख रहे हो आपका पार्टनर उस टाइम गुस्से में है, तो थोड़ा सा लाइट हो जाओ, हल्के हो जाओ, सही है. और सॉरी को ज़रा नॉर्मलाइज कर दें, ठीक है. अपने एक रिलेशनशिप में अच्छे रिलेशंस इसलिए ख़राब हो जाते हैं बिकॉज वो लोग अपनी ईगो को दरमियान में ले आते हैं. तो आप लोग ईगो को ज़रा साइड पे रख दो. हर जगह है ईगो, में दोस्तों में ईगो चल सकती है, हज़ार और जगह हैं ईगो चलाने के लिए, बाहर हर जगह कहीं भी चल सकती है. बट अपने अच्छा रिलेशनशिप को, अपने ताल्लुक को कमज़ोर करना है तो ईगो ले आओ बीच में, ठीक है. और अगर स्ट्रांग रखना है तो वहाँ ईगो बिल्कुल ख़त्म कर दो, सॉरी करो, माफ़िया मांगो, कुछ भी करो. बट ये नहीं है कि आप लोग अपनी ईगो दरमियान में ले आओ कि हम क्यों सॉरी कर लें, ठीक है. ये बात बोलने के लिए बहुत सारी जगह, बट अपना अगर ताल्लुक अच्छा रखना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ हमेशा के लिए, तो ईगो को ज़रा साइड पे कर लो. सामने वाला गुस्से में है तो आप लाइट हो जाओ, आप गुस्से में हो तो सामने आपके पार्टनर को चाहिए थोड़ा लाइट हो जाए. और सॉरी को ज़रा नॉर्मलाइज कर दें, माफ़ी तलाफी कर लें, एंड दैट्स प्रिटी गुड. और जब सॉरी कर लेते हैं तो माइंड में और अच्छा इमेज हो जाता है कि यार मुझे नाराज़ नहीं होने देते, ओके. पॉइंट नंबर फोर, अपनी एक दूसरे की हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं, ठीक है. कुछ ऐसे वन मोर थिंग, अगर आपका पार्टनर आपको आपको खुश करने के लिए छोटी मोटी एफर्ट्स कर रहा है तो वो आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपको उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, यू नो, बिकॉज आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना कर रहे होते हैं और आप एक थैंक यू बोल देते हो, आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते हो, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुशी होती है, ठीक है. तो एक दूसरे की एफर्ट्स को एडमायर करने की कोशिश करो, एक दूसरे की खुशी में खुश होने की कोशिश करो. और जब वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है तो आप उसको बताओ कि हाँ वो ठीक कर रहा है, मतलब उसको ये फील ना हो कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहा है और स्टिल आपका यही मसला हो कि तुम अभी मुझे, आप मुझे अभी तक पूरा मेरा ख्याल नहीं रख पा रहे, ठीक है. आप जब छोटी छोटी एफर्ट्स पर अप्रिशिएट करना शुरू करोगे तो ऑफकोर्स वो और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. स्टिल माइंड में यही चीज़ें थी जिस तरह लड़कियां अपने पार्टनर से प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले सकती हैं, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे. नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बिकॉज टॉपिक पर रिसर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है. जज़ाकअल्लाह, हाफिज़.